आज गाजीपुर जनपद के सिद्धपीठ हथियारा मठ में आरएसएस संघ संचालक प्रमुख मोहन भागवत का आगमन हुआ, जहां पर सुरक्षा की व्यवस्था चौक चौबंद थी। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मठ परिसर के प्रवेश द्वार पर स्वागत के लिए मठाधीश भवानी नंदन यति जी उपस्थित रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा पूजन अर्चन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। सर्वप्रथम भवानी नंदन यति जी महाराज के द्वारा अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित किया गया। भारत के वीर शहीद जवानों के परिवार को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित किया गया। वही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आप सबको संगठित होकर के भारत रक्षा करनी चाहिए, अपने आप में मजबूत होना चाहिए, तभी हम भारत को मजबूत कर पाएंगे। इसके साथ ही महंत जी के द्वारा फिराने के लिए कहा गया तो भागवत जी ने कहा, जरूर आएंगे क्योंकि हमें यहाँ से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा की बदौलत हम चलते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए रणधीर यादव जो कि अब तक हजारों वृक्षों को लगा चुके हैं, आज सिद्धपीठ हथियारा मठ में पर्यावरण के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम समापन के बाद हथियारा मठ के पास एक वृक्ष लगाया गया, जिसमें पीपल, पाकड़, बरगद, यह तीनों वृक्ष एक ही में जड़ के साथ तैयार किए गए थे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में समाज सेवी संजीव कुमार गुप्ता, उमेश श्रीवास्तव, गोविंद गुप्ता, अमरनाथ तिवारी, प्रभाकर त्रिपाठी, वीरेंद्र चौहान, वीरेंद्र सिंह, नितिन अग्रहरी, सुधीर सिंह, मदनलाल भारती, हरिहर बनवासी, संतोष जायसवाल, संतोष यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रवीण गुप्ता, संजय राम के साथ काफी संख्या में मठ से जुड़े हुए लोग उपस्थित रहे। पूज्य महाराज श्री के द्वारा अंग वस्त्रम देकर के भी स्वागत किया जा रहा है। आप सभी लोग पूज्य श्री महाराज श्री के स्वागत में संपूर्ण सिद्ध पीठ के परंपरा के द्वारा स्वागत किया जा रहा है, सभी भक्तगण के द्वारा स्वागत किया जा रहा है और पूज्य श्री सर संघ चालक जी द्वारा पूज्य महाराज श्री का भी अंग वस्त्र लेकर के स्वागत किया जाएगा, क्योंकि आपने पिछली बार बोला था संतों के आशीर्वाद में बड़ी ऊर्जा होती है और पुनः हम उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आएंगे। आपको अभिनंदन करिए, दो ऐसे मनीषियों का मिलन है, दो ऐसे आध्यात्मिक चिंतकों का मिलन है जो देश धर्म समाज अंग वस्त्रम देकर के और अखंड भारत का चित्र प्रदान करके स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया जा रहा है। आगे महावीर चक्र विजेता जिन्होंने भारत पाक के 1971 के युद्ध में सुपुत्री जो नेत्रहीन भी हैं, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत पूजनीय सरसंघ चालक जी के द्वारा किया जा रहा है। आगे जिस समय कारगिल पाकिस्तान ने कुचेष्टा की थी, कुदृष्टि डाली थी भारत की तरफ, उस समय उस पाकिस्तान आते हुए 8 शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी थी और 1942 में ही तिरंगा फहराने का काम किया था। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद आपके इसी सादात में कई पुलिस कर्मचारियों को मौत के घाट उतारते हुए तिरंगा झंडा फहराने का नेतृत्व करने वाले श्री रहा है और 1942 के स्वाधीनता संग्राम में तिरंगा फहराते हुए सादात की सरजमी में शहादत देने वाले स्वर्गीय अलगू यादव जी के जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच में एक गाजीपुर का बड़ा ही युवा समाज सेवी वीरेंद्र सिंह जी जो लावी को भी पूजनीय सर संचालक द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे गाजीपुर रेवतीपुर के एक ऐसे
पर्यावरण चालक द्वारा ऐसे समाज सेवी जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी पर्यावरण की गतिविधियों द्वारा इस भारत को समृद्ध और हरा भरा संघ हरिशंकरी का वृक्ष वो पूजनीय श्री को समर्पित करेंगे। कल सिद्ध पीठ परिसर में यह वृक्ष लगाया जाएगा। हमारे बीच में भाव को मिटाने का काम किया ऐसी बेटी जो चार चार बहने आज समाज में पढ़ लिख करके अपने समाज को शोषित अपमानित समाज को आगे बढ़ाने में काम कर रही है, ऐसी उषा बनवासी जी का आप स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं की तरफ से। आप सब अभिनंदन करते हुए निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव का क्षण, आपके सानिध्य से हम सब ऊर्जान्वित हुए, हम सबका आपका पाथे पा करके हम सब निश्चित रूप से हम सभी के लिए गौरव सारी क्षण, आपकी उपस्थिति गौरवान्वित करने वाली है। तालियों के साथ आपका उपस्थिति बने यह सबकी इच्छा होगी। समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, सुसंस्कारित भारत, स्वधर्म परायण भारत के पवित्र संकल्प से संकल्पित यह अनुष्ठान अनवरत 3 महीने तक चलेगा और इस अनुष्ठान में मां भारती को अखंड बनाने के लिए और मां भारती को सशक्त बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए एक पवित्र संकल्प। बुढ़िया मैया की जय, सिद्धेश्वरी मैया की जय, सिद्धेश्वर भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय, बोल हर हर महा। कैसी पावन धरती पर पधारे हैं, यह धरती राजा गांधी की धरती है, यह धरती महर्षि विश्वामित्र की पावन तपोस्थली है, यह धरती महर्षि कर्ण की पावन तपोस्थली है, यह धरती भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की पावन स्थली है, यह धरती भीखा गुलाल अनेक संतों मनुष्यों की पावन तपोस्थली है। ये सिद्धिदात्री बुढ़िया मैया हजारों वर्ष से लाखों लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करती है। यह धरती से विश्वामित्र मुनि ने उस समय संकल्प लिया था कि बिना भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के तत्कालीन आतंकवाद का समाप्त नहीं हो सकता, इसलिए गाजीपुर धरती अध्यात्म की धरती है। जहां एक तरफ इस धरती के लोगों ने अध्यात्म का संदेश सारी दुनिया को दिया तो दूसरी तरफ जब जब हमारे देश की सरहदों को सीमाओं को लहू की जरूरत हुई है, गाजीपुर के रणबांकुरों ने मातरे वतन के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का भी काम किया है। ऐसी पावन धरती पर आप उपस्थित हुए हैं, आप बुढ़िया माई के पावन श्री चरणों में आज सिर्फ आपने बुढ़िया माई को प्रणाम नहीं किया बल्कि आपने एक ही साथ महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया, महर्षि कर्ण को प्रणाम किया, महर्षि जमदग्नि को प्रणाम किया, अनेक ऋषि मनुष्यों को प्रणाम किया जिन लोगों ने इस धरती से अध्यात्म का संदेश सारी दुनिया को दिया। निश्चित रूप से आपका आगमन पा करके हम सब भी अनुभूत हैं। आप के आगमन से इस क्षेत्र के लोगों में जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, आज आपके मार्गदर्शन में यह देश, यह समाज पुनः जो है आगे बढ़ रहा है। यह देश कभी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का देश हुआ करता था, जो देश योग भगवान कृष्ण बुद्ध महावीर रहा है, जिस
जिसकी सनातन संस्कृति की सारी दुनिया पूजा करती थी, जो देश कभी सारे विश्व का विश्व गुरु हुआ करता था, आपके मार्गदर्शन में लाखों लाख स्वयं सेवक और करोड़ों करोड़ों सनातन धर्मावलंबी आज एक सूत्र में बंध करके पुनः इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्पित हुए हैं। आपके उस पवित्र संकल्प में यही जगह ठीक है।